चाहिए समीर वानखड़े और क्रूज वाले मामले में, मुंबई पुलिस इसमें टीम बनाई गई है, इंक्वायरी कर रही है, क्या नहीं नहीं इंक्वायरी को तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। किसी को अगर झेड सिक्योरिटी मिले है झेड प्लस, उसका मतलब इंक्वायरी होती नहीं, ऐसा नहीं ना। केंद्र सरकार तो आज को जो भी महाराष्ट्र सरकार पर उंगली उठाएगा, जो भी हमारे सरकार को बदनाम करेगा, जो भी यहाँ उल्टा सीधा काम करेगा, उसको तो सीधा 36 सिक्योरिटी मेंबर्स की एक टीम देकर झेड प्लस देकर उसका सम्मान किया जाता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे सरकार पर कीचड़ उठाएगा, बदनाम करेगा महाराष्ट्र को, उनको तो इस प्रकार से अब डेकोरेट किया जाता है। अच्छी बात है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र एक सुरक्षित राज्य है, यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार की किसी को सिक्योरिटी मिलती है तो केंद्र के पास बहुत फोर्स पड़ा है, लगता है काम नहीं है उनको, जो कश्मीर में भेजना चाहिए, अरुणाचल में भेजना चाहिए, और ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ इस प्रकार की फोर्स की ज़रूरत है, सिक्योरिटी फोर्स की। लेकिन ऐसे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के ग्रेड देकर वो भेज रहे हैं, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। बोला हे पहा की समीर वानखेडे यांच्याविषयी मी काही बोलणार नाही, चौकशी आहे, करतायत, करू द्या, सरकार करेल, त्यांचं डिपार्टमेंट करेल, जे सत्य समोर यायचं ते येईल, काही प्रश्न उपस्थित झाले त्याची उत्तरं शोधली जातील। महाराष्ट्र सरकारला या निमित्तानं बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला, चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न झाला, जणू या महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये गांजा अफूची शेती पिकते आहे रोज, आणि ते कापून आम्ही आमच्या गच्चीवर ठेवतो, टेरेसमध्ये ठेवतो, असं चाललेलं आहे। आणि कोणी प्रश्न विचारला त्या संदर्भात, प्रश्न उपस्थित केले की मग त्या व्यक्तीला केंद्र सरकार झेड प्लस नावाची एक स्पेशल सिक्युरिटी देते, 36 जण हत्यारी लोक। हे अत्यंत सुरक्षित राज्य आहे महाराष्ट्र, आणि 36 लोकांची टीम कोणाला दिली सुरक्षेची, म्हणून काही इन्क्वायरी होऊ नये का? ती भेदून इन्क्वायरी होईल ना, इन्क्वायरी होणार, इन्क्वायरी करतील, महाराष्ट्र सरकारची बदनामी थांबवावी अशी आमची अपेक्षा आहे। तुम्ही किती बदनामी केली तरी उद्धव ठाकरे यांचं सरकारला काही धोका नाही, हा रडीचा डाव बंद करा, एवढंच मी सांगतो। सर आज पुन्हा पुण्यामध्ये अजित पवारांच्या निकटवर्तीन छापा मारला, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया है उसके लिए पूरा देश सुप्रीम कोर्ट का आभारी रहेगा, खास करके हम सब लोग, पत्रकार, सांसद, जो प्रमुख लोग हैं जिनके फ़ोन टैपिंग हो गए, फ़ोन रिकॉर्ड हो गए और सरकार मानने को तैयार नहीं है। पूरा संसद का एक सत्र उसमें चला गया पेगासस के मामले में, सरकार की तरफ से कोई जवाब देने के लिए भी नहीं आया, ना गृहमंत्री आए ना प्रधानमंत्री आए, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चला, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में बहुत से बातें लाई गई इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि उसमें तथ्य है, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और एक कमेटी का गठन किया है। मुझे लगता है आज भी हमारे न्याय प्रक्रिया में जमीर जिंदा है। मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो की आजही या आपल्या देशाच्या न्याय यंत्रणेमध्ये सचोटी सच्चाई आत्मा जिवंत आहे। पेगासिसच्या प्रकरणामध्ये संसदेचं एक सत्र गोंधळात वाया गेलं, विरोधकांची मागणी इतकीच होती की गृहमंत्र्याने येऊन त्याच्यावरती उत्तर द्यावं, प्रधानमंत्र्याने येऊन त्याच्यावरती उत्तर द्यावं, चौकशीची मागणी केली होती, GPCची मागणी केली होती, पण निदान गृहमंत्र्यांकडून उत्तर यावं, पण सरकार काहीच मानायला तयार नाही। या देशातले काही पत्रकार, या देशातले दोन केंद्रीय मंत्री ज्या सरकारमध्ये आहेत, या देशातले राजकारणी, या देशातले उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते,
यांचे फोन ऐकण्यात आले, ऐकले जात होते पेगासच्या माध्यमातून इस्रायली स्पायवेअर. सर्वोच्च न्यायालयाची दखल घ्यावीशी वाटली आणि एक 5 सदस्यांची कमिटी स्थापन करण्याचं ठरवलं. ही एक अत्यंत आशादायक आशेचा किरण आहे आणि विरोधी पक्षाचा हा मोठा विजय आहे. सर, आपने कहा था कि एसआईटी से इन्क्वायरी होना चाहिए समीर वानखडे और पुलिस वाले मामले में.